एक छोटी सी क्यूक अनाउंसमेंट दोस्तों, अगर आप कंप्लीट पियानो सीखना चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही प्यारा सा एक ऑफर चल रहा है, द मैजिकल कीज़ पियानो कोर्स बाय द कमलेश। एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है जिसके ऊपर पियानो की शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें आप किस तरीके से सीख सकते हो, उनके रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी शुरुआत से पियानो सीखने के ऊपर। अभी वो कोर्स 499 का है, लेकिन फेस्टिवल सीजन के कारण उसमें बहुत ही प्यारा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो पियानो 50 PIANO 50, तो आपको 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाएगा। तो आप अभी जाएँ देखें और अपने 2 मिनट निकाल के कोर्स की एक नज़र डालें। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसमें जुड़िए और अपनी एक प्यारे से म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत कीजिए। सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर देखें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबके हालचाल? दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे मच गया शोर, शुरुआत से लेकर एंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप आप किस प्रकार से अपने पियानो के ऊपर बजा सकते हो। गाने का जो मुखड़ा पार्ट से पहले म्यूजिक है, फिर मुखड़ा, फिर मुखड़े के बाद में म्यूजिक, फिर अंतरा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप गाने को, स्ट्रक्चर को समझ के अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसको किस प्रकार से आसानी से बजा सकते हो। चलिए जी शुरू करते हैं। हम इसमें टोन यूज़ करें नॉर्मली ग्रैंड पियानो और हम इसको शुरुआत के एकदम म्यूज़िक को शुरू करें एफ नोट से। एक एक लाइन पहले प्ले करते हैं और देन इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के एंड तक पूरे गाने को सीख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहला पार्ट, पहला म्यूजिक का लाइन कुछ इस तरह। इस प्रकार से ये कुछ इतना छोटा सा म्यूजिक पार्ट है जिसको अगर आप शुरुआती समय में अब एकदम सीख रहे हैं तो आपके लिए आसान पड़ेगा और फिर हम इसके गाने की डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत का मुखड़ा पार्ट भी बहुत ही आसान है, ठीक है? और फिर अंतर के पहले एक म्यूजिक छोटा सा और है, एंडिंग मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बट मे बी ये मेरे को ज्यादा पसंद था, आपको भी पसंद आएगा, ठीक है? और फिर ठीक है, और फिर गाने का अंतरा पार्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जिसमें जो म्यूजिक पार्ट है पहला वो हम शुरू करें एफ नोट से कुछ इस तरह। फिर अगली लाइन, फिर सेम लाइन रिपीट। फिर हल्का सा पॉज और देन आप किसी दूसरी टोन को चेंज करके फिर हम अगली लाइन म्यूजिक की शुरुआत कर सकते हैं। चार नोट का यूज, रिपीट, ठीक है? थोड़ी सी एंडिंग अलग, फिर हम गाने की शुरुआत कर सकते हैं जो कि हम शुरू कर रहे हैं सी शार्प से। बहुत ईजी है, पहली लाइन पहला पार्ट, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, इन 5 नोट के ऊपर है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गठरी रे, सॉरी लिरिक्स में अगर गलती हो रही है तो। फिर से शुरुआत का जो म्यूजिक पार्ट है उसको आप प्ले कर सकते हो या फिर मच गया शोर सारी नगरी रे, सेम लाइन यहाँ पे रिपीट।
इसके बाद में अंतर से पहले एक छोटा सा म्यूजिक है, उसको देख लेते हैं। वो छोटा सा क्विक क्विक है लेकिन स्लो में समझते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इन 5 नोट के ऊपर स्लो में देखे तो, इसके बाद में ठीक है, ये लास्ट वाला पैटर्न ओरिजिनल में थोड़ा अलग है, मैंने यहां पे थोड़ा सा अलग किया। अगला म्यूजिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन 6 नोट के ऊपर है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फिर एंडिंग में ये जो पैटर्न है वो 4 बार प्ले हो रहा है, फिर ठीक है, बहुत इजी। और इसके बाद में फ्लूट में ठीक है, फिर गाने के अंतरे की पहली लाइन की शुरुआत हो जाती है। अंतरा जो मैंने सबसे शुरुआत में वो कवर पार्ट में प्ले किया था ना, वो ठीक है। 1 2 3 4 रिपीट और फिर एक छोटा सा म्यूजिक पार्ट है बीच में, फिर से कमाल, ठीक है। रिपीट वही लाइन, फिर फीमेल वॉइस में, ठीक है। ये 3 नोट के ऊपर है अगली लाइन, फिर से मेल वॉइस किशोर कुमार जी की आवाज़ में, और टोटल 4 बार ये 3 नोट के ऊपर हमें सेम मेलोडी रिपीट करनी है, लिरिक्स बदलते रहेंगे, ठीक है। किस तरह, टोटल 4 बार, फिर से सबसे लास्ट लाइन, फिर से रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, मच गया शोर सारे नगरी रे। तो यहाँ पे शुरुआत का जो म्यूजिक पार्ट है उसको आपको पहले बजाना है, फिर मच गया शोर सारे नगरी, फिर से अगेन म्यूजिक आएगा, फिर इसका एक अगेन अंतर आएगा। ये सेम अंतरा इसमें जितने भी गाने में अंतर हैं सेम मेलोडी के ऊपर रिपीट आप कर सकते हो, खाली लिरिक्स इसके बदलते रहेंगे। एंड में जो गाने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी, थोड़ा सा गाना इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का, लेकिन अगर आप इसको शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप देखें, समझें, गाने को सुने, तो डेफिनेटली आप गाने की जो हरकतें उनको मैच कर पाएंगे अपने पियानो की कीज के साथ, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन है, उसमें मेरा कंप्लीट पियानो का कोर्स है जिसमें सारी चीज़ें ये ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और डेफिनेटली अगर आप शुरुआत से पियानो सीखना चाहते हैं तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मिला होगा, कुछ भूल चुक हुई हो फिंगर स्लिप तो माफ़ कीजिएगा, और आप अपने पियानो के ऊपर इसको बजा पाए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग पियानो ट्यूटोरियल वीडियोज़ के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।